हेलो गाइस, आज हम आपको अपने गार्डन से मिलवाते हैं। हमारे गार्डन में एक पौधा है जिसका नाम विजंती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है ये पौधा। ये विजंती नाम है इसका। इसमें जो बीज आते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो ये बीज आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम माला बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जो हमारी जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा करती है। इसको आप ब्रेसलेट भी बना सकते हैं इसके बीजों को तोड़कर। और इसमें अलग अलग कलर होते हैं, कुछ मोती ब्लैक होते हैं, कुछ व्हाइट भी होते हैं। आज हम जो क्राफ्ट की चीजें बनाएंगे उसमें इन्हीं मोतियों का इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप विजंती के बीजों से क्राफ्ट भी बना सकते हैं और साथ में बीमारी को भी दूर भगा सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लंबी हैं, चौड़ी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, वाव, प्रकृति अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। ये देखिए, ये जो बीज है, अब हम इनके बीज जो है वो तोड़ लेते हैं। कुछ व्हाइट बीज है और कुछ आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट है, और इनसे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप क्राफ्ट की चीजें बना सकते हैं, माला बना सकते हैं, कानों की इयररिंग्स बना सकते हैं, और ताकि आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। ये देखिए, हमने अपने जो बीज थे वो तोड़ लिए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बराबर में छोटी छोटी सी कुछ कॉपले टाइप में निकल रही है। इसमें कुछ बीज ब्लैक कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं। चलिए हम इससे अब कुछ बनाते हैं आपके लिए, कुछ डिफरेंट। देखिए गाइस, जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि ये जो हमने बीज लिए थे उसके अंदर ये छोटे छोटे देखो धागे हैं, इन धागों को हमें निकालना है। ये देखिए, इन धागों को जब हम ऐसे निकाल देंगे ये देखिए, ये इजीली, बहुत इजीली निकल जाएगा। और इसके अंदर जो ये सीड्स है, एक होलो नजर आएगा जो हमें अपना एंटिक्स बनाने में हेल्प करेंगे। अब हम धीरे धीरे सारे बीज के जो धागे हैं वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत इजीली ये निकल पा रहे हैं। ये देखिए, अब हमने इसके जो धागे थे वो अलग कर लिए, और जो वेजंती के जो मोती थे यानी कि जो बीज थे उसके, वो हमने निकाल दिए। चलिए अब हम आपको इयररिंग्स बना के दिखाते हैं, इनसे कितने खूबसूरत इयररिंग्स आप बना सकते हैं। इयररिंग्स बनाने के लिए हमने एक तार लिया है, बारीक तार है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है शॉप्स पर। इयररिंग्स बनाने के लिए हमें दो इयररिंग्स हुक लेने हैं। गाइस, ये मैंने जो पुराने इयररिंग्स थे उनमें से निकाले हैं, जो मेरे लिए तो वेस्ट हो चुके थे। और आज जो मैं इयररिंग्स बनाऊंगी वो व्हाइट बीड्स एंड ब्लैक मोती का इस्तेमाल करूंगी। इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक बारीक तार लेंगे जिसके हम दो पार्टीशन कर लेंगे। देखिए गाइस, मुझे इतना बड़ा इयररिंग्स बनाना है, ये देखिए, और मैं इसको बराबर ले लूंगी, इसको कैची की मदद से कट कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें अब हम एक व्हाइट मोती डालेंगे। बहुत इजीली गाइस डल जाएगा ये। और उसके बाद मैं ब्लैक मोती का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, तो इसमें 6 मोती मैं ब्लैक डालूंगी। ये देखिए, अब हमने इसमें एक व्हाइट
और 6 ब्लैक छोटे छोटे और हम इसमें फिर से एक व्हाइट डाल देंगे। यही पैटर्न हम पूरे इयररिंग्स को बनाने में अपनाएंगे। ये देखिए, अब आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो इयररिंग्स की शेप ले लेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा इयररिंग्स। मैं इसको ओवल शेप दूंगी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए अब हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये हमारे लेयर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसके दोनों जॉइंट को, अब इन दोनों जॉइंट्स को हम प्लास की हेल्प से ऐसे करके बंद कर देंगे। ये देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हमारे पास जो ये इयररिंग हुक है, इससे हम इसको, ये जो जॉइंट हमने किया है इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, हमारा इयररिंग रेडी है पूरा। ये देखिए, ये दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, और इसमें जो बीज हैं वो आपको बताया ही गया है कि ये वैजयंती पेड़ के हैं, तो इससे आप अपना कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक एंटीक हमारे पास रेडी हो चुका है, इनसे हम माला भी बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बिल्कुल मार्केट जैसे इयररिंग्स बनकर रेडी हुए हैं। और इसको आप साड़ी, सूट, किसी के साथ भी, वेस्टर्न के साथ किसी के साथ भी कैरी करिए, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। थैंक यू। ये देखिए गाइस, वेयर करने के बाद कितना ही खूबसूरत हमारा इयररिंग्स लग रहा है। और प्लीज कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।